सर झांसी में विकास तो हुआ है और सिर्फ थोड़ा सा यहाँ कचड़े अचड़े की दिक्कत है और तो विकास तो सर बेटर है, काफी अच्छा है। ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि 6 बजे के बाद नहीं निकल सकते। बेटियों के शिक्षा के ऊपर ध्यान और ज्यादा दिया जाए, बाकी तो सभी चीज अच्छी चल रही है। अभी इस 100% काम अभी विद्यालयों में नहीं हुआ है, तो शिक्षा और टीचर्स भी कम है विद्यालयों में। जैसे अभी लॉकडाउन लग गया तो किसानों को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। वैसे हर लोग अपनी अपनी चीज बढ़ा रहे हो, किसानों को कुछ नहीं मिला, क्योंकि उनको वो भी किसान अपना करते हैं तो उन्हें उतना प्रॉफिट नहीं मिलता जितना और सभी को मिल रहा। और किसानों की ये कमियां हैं कि मोदी जी अपना भी जो मतलब खाद है, यूरिया वगैरह है, सब उसका मतलब दाम बढ़ा रहे हैं और किसानों का जो मतलब उसका रेट है गेहूं का, चावल का, वो थोड़ा नीचे डाउन हो रहा है, उसको थोड़ा आगे होना चाहिए। अभी कमियां तो बहुत है सर, गांव में ही है, आसपास जो दिखाई दे रहा है, साफ सफाई, सफाई कर्मी हमारे यहाँ नहीं आते हैं विद्यालयों में, तो वो सबसे बड़ी कमी है। अगर सफाई नहीं है तो स्वच्छता अभियान कैसा? नहीं, पार्षद से बोलो, पार्षद बराबर सफाई करवाते हैं। लाइट कनेक्शन है और स्कूल में भी मैंने करवाया है, लेकिन काफी दूरी है वहाँ से, तो हमारे यहाँ तो 2 बार लाइट की चोरी ही हो गई है डोरी की। आप कंप्लेन करो ना, आपका नहीं हो तो आप करे बराबर हो। क्या है कि ये जो सफाई कर्मी है गवर्नमेंट नियुक्त किए हैं, लेकिन गांव में स्कूलों तक नहीं पहुँचते, ये गांव में करके चले जाते, विद्यालयों में नहीं आ रहे, तो वहाँ ये कार्य नहीं हो पा रहा, तो गंदगी फैली रहती। अधिकारी हम लोगों को डांटते हैं। योगी और मोदी जी ने महिलाओं की सुरक्षा, बालिकाओं की सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति 100 डायल 10 98 इस तरह से जो लागू किया है। जैसे हम लोग कहीं पे भी जाते हैं तो कमेंट्स तो मतलब बहुत ही आम है कि आपको देख के देना ही है कि मतलब लाइट वैसे नहीं छेड़ेंगे, लेकिन आप कमेंट तो कर ही देते हैं ना सामने वाले। पहले से बहुत कुछ अच्छा हो गया है। जैसे हम लोग रात में घूमने जाते हैं तो रात में इतना डर नहीं लगता, पहले से कम डर लगता है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पर चुनाव से जुड़ी हर खबर सबसे पहले देखने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। उत्तर प्रदेश चुनाव की हर खबर के लिए डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप।